हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार एक्टर के बारे में जिन्होंने रंगमंच से लेकर हिंदी और मराठी फिल्मों में अपने एक्टिंग के दम पे अपना लोहा मनवाया। इस जबरदस्त अभिनेता का नाम है संजय नार्वेकर, जिन्हें आपने 1999 की सुपरहिट फिल्म वास्तव में संजय दत्त के दोस्त डेढ़ फुटिया के किरदार में देखा होगा। ए भाऊ, बहुत सुना तेरी मचमच, अभी ज्यादा खोपड़ी मत सटका, नहीं तो साला इधर ही खाली कर देगा। निर्देशक महेश मांजरेकर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में खास जगह बनाई है। फिल्म के सभी किरदार आज भी दर्शकों की यादों में ताजा है, खास तौर पे डेढ़ फुटिया। बोले तो रघु का पक्का दोस्त और साथी, जिन्होंने पर्दे पर डेढ़ फुटिया बनकर धूम मचाई थी। संजय नार्वेकर ने वास्तव में डेढ़ फुटिया की ऐसी भूमिका निभाई थी जिससे हर किसी ने इनके जबरदस्त अभिनय का लोहा माना था। आपको बता दें, इस फिल्म के इनके जबरदस्त अभिनय के चलते इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के तौर पे नॉमिनेट भी किया गया था। नहीं सुधरेगा रे बाबा, तू नहीं सुधरेगा। अरे क्या बोलते रे उसको, सफेद कलर। अरे सफेद नहीं रे, व्हाइट व्हाइट रेड कलर। हाँ। संजय नार्वेकर का जन्म 1 जनवरी 1962 में महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के मालवन इलाके में हुआ था। संजय नार्वेकर ने राम नारायण राव ऑटोनोमस कॉलेज से अपनी पढ़ाई की थी। स्कूल के दिनों में ही उन्हें अभिनय में बेहद रुचि थी। ये स्कूल और कॉलेज में होने वाले नाटकों में हिस्सा लिया करते थे, जिसकी वजह से कई पुरस्कार भी उन्होंने अपने नाम किए थे। संजय नार्वेकर की एक्टिंग करियर की शुरुआत मराठी नाटकों से हो पाई। साढ़े चार तास झाले, एकच वाक्य तुम्ही चुकीचं म्हणताय। आता करतो, आता करतो। माझा पेशन्स संपत आला आहे। नो सर, एक रिहर्सल करून टेक करो। कर ना तू। झाले एकच वाक्य म्हणताय, निघा तू। तुम धरून आले थोडी, चार तास झाले, एकच वाक्य म्हणताय, निघा रे अभिनय करायला। बात करें अगर इनके शुरुआती मराठी नाटकों की, तो ये नाटक रहे रंगिया रंगीला रे, अधनथार, आशिप पाखरी ये थी, ऑल द बेस्ट, लोचा झाला रे। इसी के साथ उन्होंने अपने अभिनय के चलते हिंदी और मराठी फिल्मों में अपने कदम रखे। बात करें अगर इनके कुछ मराठी फिल्मों की, तो उन्होंने 9 महीने 9 दिवस, टारगेट द लक्ष्य, चश्मे बहादुर, सारीवार सारी, आगोबाई आराचा, खबरदार, चेकमेट, तुला शिकवीन चांगला धाड़ा, लग्नाचा धूम धड़ाका, जबरदस्त, आई नंबर वन जैसी कई मराठी फिल्मों में सहायक और मेन लीड में काम किया। मराठी फिल्मों के साथ साथ संजय नार्वेकर ने हिंदी फिल्मों में भी अपना जलवा बिखेरा। संजय नार्वेकर ने चांद के पार चलो, राम गोपाल वर्मा की आग, किस्मत, हंगामा, प्राण जाए परेशान न जाए, हथियार, प्यासा, ये तेरा घर ये मेरा घर, एहसास, बस इतना सा ख्वाब है, जोड़ी नंबर वन, फिजा, वास्तव, बागी, दीवार, इंडियन, एक और एक ग्यारह जैसी हिंदी फिल्मों में सहायक अभिनेता के रूप में काम किया। संजय ने अब तक के अपने फिल्मी करियर में कुल 18 हिंदी फिल्मों में काम किया है। इनमें से वास्तव, राम गोपाल वर्मा की आग, चांद के पार चलो, बागी, दीवार, एक और एक ग्यारह जैसी शानदार फिल्में शामिल है। आजकल ये हिंदी सिनेमा से बेहद दूर हो चुके हैं। इन्हें आखिरी बार सन 2003 की हिंदी फिल्म एक और एक ग्यारह में आखिरी बार देखा गया था। बात अगर करें संजय नार्वेकर की निजी जिंदगी की, तो उन्होंने शादी की थी अपने कॉलेज की दोस्त रही असीता नार्वेकर से। इनकी पत्नी भी एक अभिनेत्री है जिन्होंने मराठी फिल्म बोक्या सात बांडे से एक्टिंग के क्षेत्र में कदम रखा। संजय नार्वेकर का एक बेटा है, नाम है आर्यन नार्वेकर। इनका बेटा आर्यन एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर मराठी फिल्म बोक्या सात बांडे में काम कर चुका है। संजय आजकल हिंदी फिल्मों से भले ही दूर हो, लेकिन ये कई मराठी फिल्मों में आज भी अपने शानदार अभिनय से नाम कमा रहे हैं और ये मराठी फिल्मों की दुनिया के एक जानी मानी हस्ती बन चुके हैं। उम्मीद करते हैं संजय जल्द ही हिंदी फिल्मों में अपनी वापसी करेंगे और अपने दर्शकों को और भी ढेर सारा मनोरंजन देंगे। संजय आजकल मुंबई के पुवाई इलाके में अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी बायोग्राफी वेटरन एक्टर संजय नार्वेकर की। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होंगी और इससे नया जरूर कुछ जानने मिला होगा। ऐसे ही और भी बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड कॉइन और बेल आइकन दबाना ना भूले। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।